सर डर लग रहा है। देखिए बेटा डर कोई बात नहीं है। अच्छा पहले सुन ले, डरने के लिए तुझे मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपका जो गोल है उस कमेंट में लिखना जरा, तुम्हारा डर अभी निकालता हूँ। जो तुम्हारा गोल है क्या वो गोल केवल तुम्हारा है? क्या उसके गोल के पूरा होने से तुम्हारे मदर या तुम्हारे फादर, क्या जिस दिन तू लेफ्टिनेंट बन जाएगा भाई, क्या उस दिन जब तेरी माँ कहीं किसी से मिलने के लिए जाएंगी, किसी से कोई मान लो फेस्टिवल है या कहीं पर माता जी कहीं भी वॉट एवर, क्या लोग उनको ये नहीं कहेंगे कि तुम उसी की मदर हो? क्या वो लेफ्टिनेंट वो नाम, क्या पिताजी को ये नहीं कहेंगे कि यार ये लेफ्टिनेंट के उसके लेफ्टिनेंट ये उसके फादर हैं? क्या अगर तुम्हारी सिस्टर कहीं पर पढ़ रही होगी क्या उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा भाई जो लेफ्टिनेंट है वो? क्या तुम्हारा जो कोई भाई होगा ये नहीं उन्हें बोलेंगे कि यार तुम्हारा भाई जो है वो लेफ्टिनेंट है क्या? या तेरे चाचा जी या बेटा तेरे ग्रैंडफादर या तेरे दादा, मतलब व्हाटएवर जो भी, बेटा तेरा गोल ना तेरे लिए नहीं है, सिर्फ तेरे को ही नहीं मिलेगा उससे। तो डरने वाली क्या बात है? ये सोच कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो गोल था एनडीए का वो मेरे लिए था, लेकिन मैं एक बात जरूर सोचता था उस समय पर कि सोचो, मैं वो दिन सोचता था, उस दिन को सोच के आगे बढ़ता था कि जिस दिन मेरे कंधों पे सितारे होंगे, जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में खड़ा रहूंगा। और आपको बताऊं यहाँ का सिनेरियो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, हम ये सब चीजें देखते हैं। आओ कभी जब आपको दिखाएंगे यहाँ पर, जब आपकी पीओपी होगी ना, पासिंग आउट परेड होगी, तो ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर आएंगे और वो हेलीकॉप्टर फूल बरसा के जाएंगे। वो पैसे से नहीं खरीदा जाएगा, वो इसी मेहनत से खरीदा जाएगा, डर से। ये डर जो तू लिए बैठा है ना बेटा अंदर अपने, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो वर्दी जो है ना वो कंधों पे सितारे, याद करो उस दिन को जिस दिन तेरे मदर और फादर ये दोनों चलते हुए तेरी तरफ उड़ रहे होंगे और तू सामने सीना चौड़ाए हुए खड़ा होगा। तो ये डर जो है अपने अंदर मत पाल इसको, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो ट्रेन है वो हर किसी को नहीं मिलती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भले ही शायद कुछ लोगों को ये बुरा लगे, बट मेरा अपना, देखो हर किसी का अपना अपना होता है ओपिनियन, और हर किसी को ये बात कहने का, क्योंकि इस लोग पे टिप्पणी कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन हर किसी को अपना अधिकार है और हर किसी की अपनी पसंद है। मेरा उस समय भी था, मेरा आज भी यही है। मैं चाहता था उसके बाद सिविल भी कर सकता था, ये सब कुछ क्योंकि इतने साल मैंने पढ़ाया कि मैं पढ़ नहीं सकता था, या मैं आज नहीं पढ़ सकता। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो वही था, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस तू 17-18 साल की उम्र में आज लेफ्टिनेंट बन जाएगा देश सेवा के लिए। देखिए हर काम देश सेवा के लिए होता है, लेकिन उस एज में वो पैशन, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफिसर्स में देखता हूं, मुझे नहीं लगता उस एज में जा सकता, कहीं किसी और में हो सकता है कि नीट के बच्चे में हो, आईआईटी के बच्चे में हो, लेकिन वो फौज का पागलपन, वो जुनून, एनडीए सिर्फ कहने से नहीं, मैं पेपर दे रहा हूं, नहीं, अपने अंदर वो आग भी पाल बेटा कि कल जाऊंगा और उसको चाहे कुछ भी हो जाए, जंग है मेरी, पहली जंग यहीं से स्टार्ट है। एनडीए का सपना देख लिया, क्या ये नहीं देखा कि एनडीए के बाद क्या मिलेगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेन, ऐसा कोई एग्जाम बता दो जो स्पेशल लेने के लिए आती हो। ये केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता है जो लेने के लिए आपको ट्रेन लेने के लिए आती है। मैं वो सपने देख के जीता था, भले ही पूरा नहीं हुआ डजंट मैटर, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का पूरा होता है, दैट्स ऑल। हर इंसान ने जो चाहा उसको वो मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए थे, नहीं मिला उनको, भले तीनों सेना के बाद में मालिक बन गए, लेकिन एनडीए ऑफिसर वो भी नहीं बन पाए, रिकमेंड वो भी नहीं हुए। इट डजंट मैटर कि आप हर चीज जो करें वो आपको मिले, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलता है वो हमेशा काम आता है, और ये यादें ही तो है जिंदगी में जो याद रहेंगी। हार, फेलियर और सक्सेस दो ही पार्ट है इसके, बट इसमें डर के जियोगे तो क्या फायदा, उस चीज का क्या बेनिफिट है? इन सपनों को देखो, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में जिस दिन एंटर कर जाओगे, यू विल बी द बेस्ट। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लेके चल कि तू केवल एनडीए का पेपर देने नहीं आया बेटा, इसके बाद की बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, और अभी तो तेरे को बहुत जंग लड़नी है, इसके बाद एसएसबी भी है, तो अभी घबरा जाएगा तो फिर आगे कैसे जाएगा वहां पर? और फिर सुन ले एक बार कान खोल के कि ये तेरा सपना नहीं है, तेरे से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का सपना है। जिस गांव से तू बन के निकलेगा वहां से हजारों कल बच्चे जो है छोटे छोटे, जब वो बनने के लिए बाहर पढ़ने के लिए निकलना चाहेंगे, तो तू उनके लिए बेटा एग्जाम्पल होगा। तो
अगर बदलाव चाहते हो तो बदलाव खुद से ही करना पड़ेगा, वो तुझे खुद बनना पड़ेगा। तो आप सिर्फ केवल पेपर देने नहीं जाने, जॉब नहीं मन मानिए, जॉब मत मानिएगा इसको। This is just not a job, it is really an adventurous part. रही बात जॉब पैसे की, वो इंसान कहीं भी कमा लेता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैं जब भी गया हूं ना, मेरे को आज भी वही चीज एकदम से देख के आंखों के सामने से निकल के आ जाती है, क्योंकि जब भी हमारे स्टूडेंट ने मुझे कभी इनवाइट किया है, कभी आके देखिएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें, भारतीय सेना क्या क्या नहीं दे रही यार आप लोगों को, वो चीजें जो आप केवल सपने में सोचते हो वो चीजें सब यहां पर पूरी होंगी। बस एवरी टॉम डिक एंड हैरी कांट बी इन आवर फोर्सेस एंड स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। रिमेंबर, सोचो जरा यार, कुछ भी मतलब कि हाँ सर डर लग रहा है,